हेलो चिल्ड्रन, तो आप देख रहे हैं डिजिटल क्लास। और कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था, ये इसका लास्ट भाग है। चलिए, लास्ट पॉइंट है बीइंग गुड टू आवर हेल्पर्स, कि आप अपने हेल्पर्स से अच्छे से पेश आएं। ठीक है, जो लोग हमारी मदद करते हैं, हमें हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। चलिए इसको रीड कर देते हैं। वी शुड बी काइंड एंड गुड, काइंड एंड गुड टू द पीपल Who help us, वो लोग जो हमारी मदद करते हैं, उनके साथ हमें अच्छा होना चाहिए। In our daily work, we should not be rude to them. Rude का मतलब होता है बुरी बोली बोलना, ठीक है, खड़ी बोली बोलना, बुरे से बोलना। तो हमें उनसे बुरे से नहीं बोलना चाहिए, कि अगर आपके घर के आसपास कोई सफाई कर्मी है, साफ़ सफाई करता है, तो उसको बुरे से नहीं बात करनी है। हर किसी को बराबर इज्जत दें और अच्छे से बात करें। वी शुड टॉक टू देम पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब होता है बहुत ही आराम से, नरमी से बात करें। रिमेंबर, इफ़ वी आर गुड टू पीपल दे विल बी गुड टू अस, अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे से ही बिहेव करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो ये पॉइंट हो चुका है। अब आगे देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। इसके बाद ये एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज करिए। देखिए, सबसे पहले राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पीपल आया हुआ है। इसमें सबसे पहले लॉयर है, जो कि काले कपड़े पहना है, ठीक, तो लिख लीजिए लॉयर, LAWYER लॉयर। सेकंड इज़ हॉकर, बेचने वाला, सामान बेचने वाला, HAWKER हॉकर। तीसरा है फार्मर, FARMER फार्मर। और चौथा कौन, कपड़े धोने वाला, जिसको कहते हैं धोबी, तो वॉशरमैन, WASHER वॉशर, MAN मैन वॉशरमैन। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है राइट और रॉन्ग लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस है कि अ कारपेंटर कैरीज अवर हैवी लगेज। कारपेंटर क्या हैवी लगेज उठाता है, तो अ कारपेंटर कैरीज अवर हैवी लगेज, तो कारपेंटर क्या हमारे लगेज उठाते हैं, नहीं, कारपेंटर तो लकड़ी का काम करते हैं, टेबल, कुर्सी, सोफ़ा, ये सब बनाते हैं। तो इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है, ये कैसा है, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी बाय कॉपीज पेंसिल्स फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। क्या आप स्टेशनरी शॉप से पेंसिल और कॉपीज़ खरीदते हैं? हाँ, बिल्कुल खरीदते हैं। अब थर्ड देखिए, अ कॉबलर मेंट आर शूज़। कॉबलर क्या हमारे शूज़ बनाता है? बिल्कुल बनाता है। वी गो टू द पोस्टमैन एंड ब्रिंग आर लेटर्स। क्या हम पोस्टमैन के पास जाते हैं और तब वहाँ से लेटर लेके आते हैं? नहीं, पोस्टमैन खुद हमारे पास आते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, द वॉशरमैन वॉशेज आर क्लोथ। वॉशरमैन हमारे कपड़े धोता है? बिल्कुल धोता है, तो इसको टिक कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं किए हुए हैं, क्वेश्चन आंसर जो है वो लास्ट में किए जाएंगे। इसमें अब आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आ चुका है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स और समझ लेते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। फर्स्ट वन इज़ द कॉबलर मेंट आवर शूज़। तो कॉबलर क्या हमारे जूते बनाते हैं? तो यहाँ पर मैंने कॉबलर लिख रखा है, COBBLER। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, अ डैश ब्रिंग्स लेटर फॉर यू एंड मी। तो हमारे लिए लेटर्स कौन लेकर आता है? हमारे लिए लेटर्स पोस्टमैन लेकर आते हैं। द डैश ट्रीट्स पीपल हु आर इल। तो जो लोग बीमार होते हैं उन्हें कौन देखता है? तो डॉक्टर, कौन देखते हैं? डॉक्टर। नेक्स्ट देखिए, वी गो टू द हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक। हम हॉस्पिटल जाते हैं जब हम क्या हो जाते हैं? बीमार। वी गो टू द डैश टू रन एंड प्ले। हम कहाँ जाते हैं रन और प्ले करने के लिए? हम जाते हैं पार्क। ओके चिल्ड्रन, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक। बाय चिल्ड्रन।